दोस्तों सिद्धार्थ आनंद की फाइटर लाइन पर लग चुकी किसकी ब्लॉकबस्टर हिट होने की। भाई साहब जैसी स्टार्टिंग 2023 में पठान के साथ करी थी इस डायरेक्टर ने, वैसे ही स्टार्टिंग इस मूवी के साथ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज डे थर्ड है, आज सैटरडे का फ्लेक्सिबल हॉलीडे मिलेगा, देन कल संडे है, और उसके बाद कल जो गुजर गया 26 जनवरी का जो फुल हॉलीडे था उसमें पूरी कमाल धमाल ये मूवी मचाते नजर आई है। बिल्कुल भाई साहब अराउंड 45% की ग्रोथ हमें देखने को मिली जब इसकी ओपनिंग डेट के हिसाब से जो हम पहले दिन की अगर कलेक्शन के बारे में कंपैरिजन करें तो। अभी सब चीज़ों पर बात करेंगे, कल कैसा क्या कलेक्शन इसका रहा है, अभी तक कितनी कमाई इस मूवी ने कर ली है और कितना कलेक्शन ये कर सकती है, क्या सिद्धार्थ आनंद जो भाई वॉर देन उसके बाद पठान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके हैं, फाइनेस्ट क्रिएशन और उसके बाद कलेक्शन कर चुके हैं, क्या इस मूवी के साथ भी वही सब चीज़ें होते नजर आ रही हैं? ये सारी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब कल डे टू कैसा रहा इस मूवी का? ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 45-50% के आसपास रही है इस मूवी की। भाई साहब अर्ली एस्टिमेट नेट इंडिया से कल एंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहा है इसके खाते में 39 करोड़, जो कि एक ह्यूज नंबर है। क्योंकि फर्स्ट डे अगर ओपनिंग डे वन की बात करें तो भाई साहब 22 करोड़ का कलेक्शन हमें सिर्फ देखने को मिला था वहां से, जो कि बहुत पुअर ग्रोथ था, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करा जा रहा था। लेकिन भाई साहब जब पॉजिटिव रिव्यू आए हैं, भाई वही बात की वर्ड ऑफ माउथ जब काम करता है, जो पब्लिक काम करती है ना कि भाई कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है, जब वो ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन तब आते हैं तब वहां से भाई हाई फाई कलेक्शन देखने को मिलता है। और यस वो कल हमें देखने को मिला है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 46 करोड़ एंड ओवरसीज से 11 करोड़। पूरी दुनिया से ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक 57 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में ले चुकी। मुद्दे पर बात उठाई गई यानी सर्जिकल स्ट्राइक 2 कैसा क्या हुआ था उसके साथ, भाई एयरफोर्स पायलट्स की कैसी लाइफ होती है, एक एयरफोर्स डिफेंस आर्मी ऑफिसर्स की कैसी लाइफ होती है, वो सारी चीजें इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। पहले दो दिन नेट इंडिया से ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक 61 करोड़ 50 लाख के आसपास करते नजर आ रही है, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 73 करोड़, पूरी दुनिया से 93 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा ये पहले दो दिन में अपने खाते में रखती है, जो कि एक ह्यूज एंड जबरदस्त आंकड़ा है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज डे थ्री की बात करें तो कल तक धमाल था भाई साहब, आज डे थ्री की बात करें, आज सैटरडे का फ्लेक्सिबल हॉलीडे है, क्या इसका फायदा ये मूवी उठा रही है नहीं उठा रही है, इस पे नजर मारते हैं। तो आज एडवांस बुकिंग टोटल हुई है इसके खाते में 9 करोड़ 28 लाख के आसपास, जिसमें टोटल टिकट उन्होंने आज के लिए यानी डे थ्री के लिए इन्होंने बेचे हैं 2,90,796 टिकट। और इसमें ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की कितनी है, आज की थोड़ा सा कल के मुकाबले कम देखने को मिल रही है, 40-45% के आसपास। एंड अगर जो एडवांस बुकिंग में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स हिंदी 2D एंड हिंदी 3D से देखने को मिल रहा है, जहाँ हिंदी 2D से अगर बात करें तो 3,92,93,000 का एडवांस बुकिंग कलेक्शन आज के लिए किया है, एंड हिंदी 3D से 4,33,52,000 का कलेक्शन आज के लिए किया है। और रेस्ट ऑफ द बुकिंग हुई है IMAX 3D, 4DX 3D एंड ICE 3D एंड IMAX 2D वर्जन से, मतलब हिंदी में जितने भी वर्जन हो सकते थे सभी में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है। तो भाई आज के लिए यानी अर्ली एस्टिमेट अगर आज की बात करें कि आज ये मूवी कितनी कमाई करते नजर आ रही है, तो आज डे थ्री पर नेट इंडिया से 35 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 43 करोड़ एंड पूरी दुनिया से 52 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी करते नजर आ रही है, यानी ओवरसीज में भी लगभग 9-10 करोड़ की कमाई ये मूवी करते नजर आ रही है। तो भाई साहब पहले तीन दिन में नेट इंडिया से कलेक्शन कितना हो जाता है, 97 करोड़ आज एंड ऑफ द डे तक हो जाएगा। पूरी दुनिया से 145 करोड़, जो स्लाइटली 150 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।